व्लादिमीर पुतिन ने अचानक खार्किव पर हमले तेज कर दिए और अब ऐसा लगने लगा है कि रूस पूरे खार्किव पर कब्जा करके यूक्रेन को बहुत बड़ा झटका देने जा रहा है। अब लगभग तय है कि रूस तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि यूक्रेन में वो अपना मिशन पूरा नहीं कर लेगा। एक किलोमीटर में लाशें ही लाशें, खार्कियों में खूनी खद। सपाटिया दो हुरा। टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करते रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने का मन बना लिया है। ना तो अमेरिका के तोप, टैंक, मिसाइलें और रॉकेट रूसी सेना को रोक पा रहे हैं और ना ही 32 देशों से बना नेटो रूसी फौज का मुकाबला कर पा रही है। हालात ये हो गए हैं कि 800 से ज्यादा दिन की जंग में रूस ने एक तरह से यूक्रेनी सेना को रौंद कर रख दिया है। सबसे ताजा और भीषण हमले में यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने बेहद प्रचंड हमले किए हैं। खबरों के मुताबिक रूसी सेना की तरफ से हुए हमले में खार्किव के 1 किलोमीटर इलाके में यूक्रेनी सेना की लाशें बिछ गई हैं। जरा देखिए रूसी सेना ने खार्किव में क्या किया है। फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि 10 मई 2024 को रूसी सेना ने खार्किव पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। दावे के मुताबिक रूसी सेना पिछले एक हफ्ते से खार्किव पर बड़े हमले कर रही थी। फ्रांस की न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि रूसी सेना खार्किव में 1 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। खबर ये भी है कि रूस का हमला होने के बाद खार्किव से हजारों लोग सुरक्षित जगह पर भागने को मजबूर हो गए हैं। खार्किव में घुसने के लिए रूस की सेना ने एक बफर जोन बनाया है जिसके मुताबिक वो आगे बढ़ रही है। दावा तो यहां तक किया गया है कि खार्किव को बचाने के चक्कर में सैकड़ों यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। खार्किव पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है। रूस की सेना खार्किव में 1 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है। इसकी पुष्टि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कर दी है। головне Харківщина. Російські війська сьогодні спробували розширити операції проти України. Ми розуміємо обсяг сил окупанта, бачимо його задум. Наші воїни, наша артилерія, наші дрони дають відповідь окупанту. Пуск. Есть пуск. यूक्रेन के खार्किव पर रूस का 1 किलोमीटर पर कब्जा साबित करता है कि पुतिन का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अभी यूक्रेन में रुकने वाला नहीं है। हमला ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेनी सेना के पास गोला बारूद की कमी है। यूक्रेन ने अपने सभी रिजर्व सैनिकों को खार्किव भेजना शुरू कर दिया है। अगर हम रूसी हमले की बात करें तो साफ हो जाता है कि रूस ने हमला करने में घातक हथियारों का इस्तेमाल किया है। ২০২২ में खार्किव में मिली हार के बाद रूस का प्लान है कि वो हर हाल में खार्किव पर जीत हासिल करे। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस अपने हाईटेक टैंक
एयर मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। 10 मई की सुबह से हवाई हमले तेज हो गए हैं। रूस अभी तक 1 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक खार्किव में घुसने के लिए रूस की सेना ने एक बफर जोन बनाया है, जिसके अनुसार सेना आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि खार्किव में उनकी सेना रूसी सेना को बड़ी टक्कर दे रही है और स्पेशल ब्रिगेड और हाईटेक मिसाइल भी तैनात कर दी गई है। यूक्रेन का काल बना पुतिन का स्पेशल ऑपरेशन। रूस के हमले में अब तक 40 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक देश छोड़कर भाग गए हैं, जबकि 65 लाख से ज्यादा यूक्रेनी देश में ही बेघर हो गए हैं। वहीं अब तक यूक्रेन के 10,000 आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 18,500 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 3.92 लाख सैनिकों को मार दिया है, लेकिन इन तमाम दावों के बावजूद हकीकत ये भी है कि रूस ने यूक्रेन के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस यूक्रेन के कितने हिस्से पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन की डीप स्टेट टेलीग्राम चैनल की रिपोर्ट का दावा है कि रूस ने यूक्रेन की 62,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि रूस अब तक यूक्रेन के 5वें हिस्से पर कब्जा कर चुका है। यूक्रेन के डोनेस, खेरसोन, लुहांस्क और ज़ापोरोजिया इलाके रूस के कब्जे में आ चुके हैं। इधर ISW का अनुमान बेहद चौंकाने वाला है। ISW का कहना है कि रूस 1 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके को कंट्रोल कर चुका है, यानी कागजों में यूक्रेन जीत रहा है और जमीन पर रूस जीत रहा है। Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. यूक्रेन और नाटो मिलकर भी रूस से जमीन पर सीधा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि यूक्रेन 1500 किलोमीटर दूर से रूस में हमले कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से यूक्रेन ने पहली बार 1500 किलोमीटर दूर से हमला किया है। यूक्रेन ने दक्षिणी रूस में 2 तेल डीपो को भी निशाना बनाया है। यूक्रेनी दावों के मुताबिक कीव के ड्रोन ने रूस के दक्षिणी कास्तोग्राद क्षेत्र में अनापा शहर के पास 2 तेल डीपो पर भी हमला किया है, जिससे रात में बड़े पैमाने पर आग लग गई। इधर पुतिन के बेहद वफादार रूसी गणराज्य के चेचन्या नेता रमजान कादिरोव ने बड़ा दावा किया है। कादिरोव के मुताबिक वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन को जंग में बुरी तरह से हरा देंगे, यूक्रेन को 2 हिस्सों में फाड़ देंगे और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की को मजबूर कर देंगे कि हमारे सामने खड़ा हो और मेज पर रखे सरेंडर के कागजों पर साइन करें। पुतिन को जितना इलाका चाहिए होगा उतना इलाका हम छीन लेंगे। Не беспокойтесь, да. Поэтому это мелочь для нас. Но сейчас мы порвем, да, знаешь, разделим на 2 части, потом в последующем потихоньку заберем, да, сколько нужно, столько этого шайтана Зеленского посадим, да, за стол подписать, да, бумаги, которые нам необходимы. И все. ऐसे हालातों की वजह से ही रूस को अब पोलैंड की तरफ से नाटो के 32 देश मिलकर घेर रहे हैं। जरा देखिए इस वक्त नाटो और रूस के बीच क्या चल रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दावा है कि रूस की सीमा पर नाटो के 1,23,000 सैनिक मौजूद हैं। इस बीच यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने यूक्रेन के लिए $61 अरब की सहायता देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है, जो रूस के लिए गंभीर खतरे वाली बात है। खतरे को देखते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि रूस की सीमा पर नाटो के 300 टैंक और 800 आर्मर व्हीकल तैनात है, जबकि 90,000 नाटो सैनिक अलग अलग तरह के अत्याधुनिक हथियारों के साथ लिथुआनिया आ गए हैं।
रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यह भी दावा किया है कि रूस ने लेनिनग्राद सेंट पीटर्सबर्ग इलाके में 7,000 घातक हथियारों को भेजा है। इसके अलावा रूस की राजधानी मॉस्को में भी 2400 आधुनिक हथियारों को तैनात किया गया है। अब ऐसे हालात में भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर हमले तेज क्यों कर रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब है, पुतिन का टारगेट सिर्फ यूक्रेन नहीं है बल्कि अब यूरोप हो चुका है। इज़राइल